46 वर्ष पूर्ण हो गए ना। नमस्कार, मैं अभी इस समय हनुमत धाम में मौजूद हूँ और यहाँ पर आज हमारे हनुमत धाम सेवा समिति के अध्यक्ष श्री विष्णु महावर जी का आज वैवाहिक वर्षगांठ 46वां वर्ष इन्होंने पूर्ण करके 47 वर्ष में मतलब इन्होंने अपने वैवाहिक जीवन को जो है प्रवेश किया है। आइए हम इस अवसर पर हनुमत धाम के समस्त कार्यकर्ता एवं समस्त जो है यहाँ के हमारे यहाँ के मुख्य पुजारी और हमारे यहाँ के ब्राह्मण सब यहाँ पर आज मौजूद है। इनके इस खुशी के अवसर पर ये वर्ष वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर जी अध्यक्ष जी आपने यहाँ पर हनुमत धाम के आप एक यहाँ पे अध्यक्ष भी हैं और आप हनुमत धाम को चला रहे हैं विगत लगभग 25-26 वर्ष से आप लगातार यहाँ की सेवा भी कर रहे हैं। आज आपके 46 वर्ष का पूरा करके आप 47 में प्रवेश कर रहे हैं। इस दौरान आपके जीवन में ये ग्रस्त जीवन में क्या क्या चुनौतियां रही और साथ साथ आप धार्मिक काम से भी जुड़े हैं, आपका हम अनुभव जानना चाहेंगे। बचपन से ही समाज को दे रखा है अपना। हम शुरू से ही पहले आरएसएस से जुड़े रहे थे, तो सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों से हम जुड़े रहे और कुछ हनुमत धाम की स्थापना जब हुई तो राम कथा के दौरान स्वामी यतीनंद जी ने एक घोषणा की कि श्री हनुमत धाम विकास नगर में बनेगा। बस उसी दिन से एक जो है विकास नगर के कुछ लोग थे, जैसे हमारे महामंत्री दिनेश जी के पिताजी लाला जगदीश प्रसाद जी और गणेश दस पाठक जी, इन दोनों ने अथक प्रयास किया और हनुमत धाम की यहाँ पर स्थापना की। जब इसे हम 26 वर्षों से इस कार्य में लगे हुए और जीवन में अनेक चुनौतियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन हनुमान जी की कृपा से और परिवार के सहयोग से ये जो है मैं इतना समय भी दे पाया, बाकी आपके सामने ये है। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि हमने ग्रस्त जीवन के साथ साथ धार्मिक कार्य को भी अभी हम कर रहे हैं, साथ साथ इस दौरान कई सारे चुनौतियां भी आई, उन चुनौतियों को पार करते हुए आज एक विवाहिक 46 वर्ष जो विवाहिक जो जीवन में उन्होंने गुजारा है और इस दौरान आज बहुत ही मतलब सौभाग्य भी है और हनुमान जी के चरणों में जो है आज यहाँ पर ये एक वर्षगांठ मनाने का एक अवसर भी मिला है। इस दौरान आपने जो चुनौतियां झेली है, आज के जो युवा है जो कि आज वास्तव में जो ग्रस्त जीवन में जो है कई सारे परेशानियां हैं, कई सारे चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते हैं, आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के युवाओं को संदेश यह है कि वो जो अपना हिंदू धर्म जो है संकट में पड़ गया है और इस स्थिति में हम सब युवाओं को जो है इसमें हिंदू जागरण का कार्य करना चाहिए। और जहाँ तक बात ये हमारे हनुमत धाम की है ना, हनुमत धाम में जो इतना वर्ष का जो लगा रहा, हनुमान जी की बड़ी कृपा रही, मतलब एक नहीं अनेक चमत्कार ऐसे हुए। अब मुझे मैं ऐसी सिरमनी बताऊं आपको, पर ऐसे चमत्कार हुए जैसे कि जमीन है हमारे जो हमने ये भूखंड लिया, तो जब हमने ये देखा तो बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था और ये सब काम जो भी हुआ है, इतना बड़ा कैंपस, 18 परिवारों की जमीन, ये जो काम हुआ है ये बगैर हनुमान जी की कृपा के बगैर संभव नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है वो हनुमान जी के कृपा के बगैर इस स्थान पर यह बनना था, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी कार्य होता है ना वो ईश्वरीय कृपा के बगैर संभव है ही, जिससे भगवान को विधाता को कार्य करवाना है उसी से करवाता है। अब मुझे इसके लिए चुना भगवान ने, इसके लिए अब मैं विधि के विधान का ही जो है आभारी हूँ कि भाई मुझे ये कार्य सौंपा है। जिस जो सफलता असफलता तो आप लोगों के सामने। अभी आप लोग ने सुना कि हनुमत धाम के अध्यक्ष महावर जी ने कहा कि इन जो 46 सालों के में जिस तरह की चुनौतियां, ग्रस्त जीवन और साथ साथ लगभग 27-28
वर्ष से जो है धार्मिक काम से जुड़े हैं और हनुमान जी की विशेष कृपा रही है। और इस अवसर पे इन्होंने युवाओं को भी एक संदेश दिया है कि जीवन में चाहे कितनी ही चुनौतियां क्यों ना हो, जीवन को उन चुनौतियों को पार करते हुए जीवन को जीना है और जीवन संघर्ष यही है और इसी तरह जो है जीवन चलता है। और अभी आइए हम आंटी जी से भी पूछते हैं कि आपने भी बहुत लंबा समय अपने घर गृहस्थी में आपने बिताया है, साथ साथ आप अध्यक्ष जी के साथ भी जो है हर धार्मिक कार्य में रहते हैं, तो आप लोग आज के जो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगी बच्चों से कि भाई घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, सामाजिक घरेलू काम के साथ साथ सामाजिक काम से जरूर जुड़ना चाहिए और धार्मिक साथ में अपनी सनातन धर्म को कभी नहीं भूलना चाहिए। सनातन धर्म याद करते हुए सब संस्थाओं से अपना जो भी अच्छाई होती है वो ग्रहण करो और जो बुराई होती है उन्हें छोड़ दो। अभी आपने आंटी जी के भी आपने जो है इस तरह से जो है बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को अपनाना चाहिए और साथ साथ ईश्वर की कृपा के बिना मनुष्य के जीवन में कोई भी चीज संभव नहीं है, अतः हमें ईश्वर को कभी भूलना नहीं चाहिए और ईश्वर को हमेशा किसी भी कार्य को करने से पहले ईश्वर का स्मरण जरूर करते हुए करना चाहिए। आप तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद। जय।